खंड गौ इस कंडिका का उत्तर उपर्युक्त कंडिका में सन्निहित है। शिक्षकों की नियुक्ति विद्यालय में नहीं है, ये अनंत काल से इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। वहाँ कहा जाता है 75% छात्र अगर नहीं होंगे तो उनका वेतन काट लिया जाएगा और सभी जगह काटा भी जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में भी है, इस तरह से शैक्षणिक माहौल को कायम नहीं किया जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। सदन के भीतर नीतीश कुमार के एमएलसी ने तेजस्वी यादव के मंत्री को घेर लिया और सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। मुद्दा बिहार की लचर शिक्षा व्यवस्था को लेकर उठा, जहां विधान परिषद के भीतर जदयू एमएलसी ने राजद कोटे से बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पर सवाल उठा दिए, जिसके बाद दोनों के बीच बहस छिड़ गई और ये बहस विवाद का रूप बन गई। इसके बाद इस बहस ने सदन के भीतर ही विवाद का रूप ले लिया। हम आपको सीधे वीडियो बिहार विधान परिषद के भीतर के दिखाएंगे, जहां देखिए किस तरीके से जदयू एमएलसी और आरजेडी कोटे के मंत्री के बीच शिक्षा व्यवस्था को लेकर बहस शुरू हो गई। छोड़ जाते हैं इस पूरे वीडियो के साथ। के चुनाव को छोड़कर अन्य किसी भी गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए प्रतिनियुक्ति नहीं किए जाने हेतु विभागीय पत्रांक 10/68 दिनांक 22/9/2016 एवं अद्यतन पत्र संख्या 76 दिनांक 10/1/2021 द्वारा दिशा निर्देश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रेषित किया गया है। साथ ही उक्त अंतिम पत्र द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि मतदाता सूची से संबंधित कार्य गैर शैक्षणिक कार्य दिवसों अवकाश एवं छुट्टियों के दिन में ही किया जाए, जिससे इसका प्रभाव शिक्षक के शैक्षणिक कार्यों पर न पड़े। इसके अतिरिक्त सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि यदि उनके जिला अंतर्गत कोई भी शिक्षक अद्यावधि प्रतिनियुक्ति पर हों, उनकी प्रतिनियुक्ति अविलंब रद्द की जाए। जहां तक कार्यरत शिक्षकों के वेतन एवं अन्य सुविधाओं में असमानता बढ़ने का प्रश्न है, इस संबंध में स्पष्ट करना है कि कार्यरत शिक्षकों के वेतन एवं अन्य सुविधाओं में वृद्धि हेतु सरकार द्वारा क्रमिक रूप से विभागीय संकल्प संख्या 1530 दिनांक 11/8/2015, संकल्प 1632 दिनांक 21/6/2017 एवं विभागीयादेश संख्या 1816 दिनांक 12/11/2021 द्वारा आवश्यक प्रावधान किया गया है, जो काफी उत्साहजनक है। खंड गौ इस कंडिका का उत्तर उपर्युक्त कंडिका में सन्निहित है। सबसे बड़ी बात है, शिक्षकों की नियुक्ति विद्यालय में नहीं है, ये अनंत काल से इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। वहाँ कहा जाता है 75% छात्र अगर नहीं होंगे तो उनका वेतन काट लिया जाएगा और सभी जगह काटा भी जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में भी है, इस तरह से शैक्षणिक माहौल को कायम नहीं किया जा सकता है। पदाधिकारी तरह करते हैं, शिक्षकों से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, अतः शिक्षा विभाग को शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द से जल्द करनी चाहिए और जिला पदाधिकारी को, जिला शिक्षा पदाधिकारी को और उनके साथ साथ अन्य सभी पदाधिकारियों को एक आचार संहिता बनाना चाहिए शिक्षा विभाग को, जिसके चलते ये हो क्योंकि किसी शिक्षक के साथ वो अभद्रता से पेश नहीं आवे। माननीय मंत्री, सभापति महोदय एक नंबर हो रहा है। सभापति महोदय, माननीय सदस्य का जो यह सवाल है नियुक्ति से संबंधित, इसका तो अलग से प्रश्न लाना चाहिए था, इसमें वो सन्निहित नहीं है। ये है कि कार्य के दरमियान शिक्षकों से अन्य काम नहीं लिए जाएंगे, उससे उसके संबंध में सारे पत्रांक का जिक्र मैंने इसे उत्तर में किया है। इससे संबंधित कोई सवाल करना हो तो माननीय सदस्य पूछ सकते हैं। 61 नंबर छूट गया, 61 नंबर ऊपर वाला। माननीय मंत्री, 61 नंबर नीतीश कुमार के 3 मिलियन भालू भालू भ्रष्टाचार।
प्रश्न संख्या 61 माननीय मंत्री। प्रश्न संख्या 61 में उत्तर प्राप्त है, पूछ सकते हैं? उत्तर प्राप्त है, ये तो नवल किशोर यादव जी का है। नहीं, तीनों का है माननीय मंत्री जी। अच्छा जी, डॉक्टर संजीव सिंह, प्रोफेसर संजय कुमार सिंह जी का भी है। महोदय महोदय, सभापति महोदय, अंश को स्वीकारात्मक, अंश ख वस्तु स्थिति यह है कि वित्त रहित शिक्षा नीति के समाप्ति के उपरांत निर्दिष्ट मापदंड पूर्ण करने वाले स्थापना अनुमति तथा प्रस्तुत प्राप्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक इंटर महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकतर कर्मियों को सहायक अनुदान हेतु वित्त वर्ष 2022-23 में बजटीय बंद में 342 करोड़ की राशि उपलब्ध है। उक्त राशि से माध्यमिक विद्यालयों हेतु शैक्षणिक सत्र 2014-15, 2015-16 एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों हेतु शैक्षणिक सत्र 2013-15 एवं 2014-16 की राशि विमुक्त एवं व्यय की स्वीकृति पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। राज्य के संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों के लिए शैक्षणिक सत्र 2012-15 तक अनुदान राशि संबंधित विश्वविद्यालय को विमुक्त की जा चुकी है। शैक्षणिक सत्र 2013-16 एवं 2014-17 के लिए अनुदान राशि विमुक्त करने हेतु पूर्व में विमुक्त किए गए अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय से प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। विभागीय पत्रांक 13/11 दिनांक 23/8/2022 के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2015-18 से 2017-20 तक के लिए अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों को पत्र प्रेषित कार्य की जा चुकी है। खंड गौ खंडिका ख में उत्तर सन्निहित है। मैं चुनौती देता हूं, विभागीय उत्तर जो माननीय मंत्री जी को बना करके दिया गया है, इसमें मैंने कहा है जो कि परीक्षा फल मान्य है, लेकिन परीक्षा फल के आधार पर जो पूर्णता आधारित अनुदान दी जाती है उसको 7 वर्षों से संबद्धता के नाम पर रोका गया है। यह सरासर अन्याय है। विभाग ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की चर्चा तक नहीं की है उत्तर में, यह गलत है। विभागीय पदाधिकारी माननीय मंत्री महोदय को सही उत्तर नहीं देते हैं। माननीय मंत्री महोदय विभागीय पदाधिकारियों से कारण पूछा करें, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है, चाहे वो वेतन से संबंधित हो या पेंशन से संबंधित हो, आखिर जब परीक्षा फल मान्य है, 7 वर्ष हो गया, आप भी आसन से सभापति महोदय बैठे हुए हैं, आपको भी जानकारी है, इंटर महाविद्यालयों का अनुदान संबद्धता के नाम पर रोका गया है। संबद्धता संस्था को दी जाती है, शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों को नहीं दी जाती है, लेकिन विभागीय पदाधिकारियों ने पेच लगा करके शिक्षकेतर कर्मियों और शिक्षकों का वेतन रोका है। ये सरासर अन्याय है। माननीय मंत्री महोदय को संज्ञान लेना चाहिए। बार बार पदाधिकारी गुमराह कर रहे हैं माननीय मंत्री जी को, और ये आदेश है और सरकार का दायित्व है, जो कि जो भी काम किया है उनको वेतन और पेंशन समय पर मिले और इस मामले को देखा जाए। ये सरासर सदन को गुमराह किया जा रहा है। माननीय मंत्री का स्पष्ट उत्तर है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र जिनका नहीं मिला है उनका ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए कहा गया है। फिर 16 तक के अनुदान राशि वित्त विभाग को सहमति के लिए दी गई है, जो प्रक्रियाधीन है। अब माननीय सदस्य और सवाल किए हैं, दिखवा लेंगे इसको अच्छी तरह से। नहीं नहीं, सभापति महोदय, सभापति महोदय, सभापति महोदय, बिल्कुल ये गुमराह करने वाला उत्तर है। इस पर अलग से आप शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ संवेदनशील है। मंत्री महोदय सारी बातों को जान रहे हैं।
पदाधिकारियों ने मंत्री महोदय को गुमराह किया है। ऑनलाइन डिग्री के लिए वर्ष 2020 के बाद का मामला है, लेकिन इंटर के साथ अन्याय किया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, संबद्धता संस्था को दी जानी है, संबद्धता शिक्षकों को नहीं दी जानी है। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री ने कहा है, इसको देखवा लेंगे, देखवा लेंगे। माननीय सदस्य महोदय, बाकी जो तारांकित प्रश्न है, महोदय बाकी जो तारांकित प्रश्न है उनके सभी उत्तर प्राप्त हैं। माननीय सबको उनके उत्तर को मैं समझता हूँ सदन के पटल पर रखने का कृपा करें।